आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैस्टेला केक की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ये केक है और ये जिगली भी है। तो इसे हम स्टीम करेंगे माइक्रोवेव में। तो चलिए इसे देखते हैं इसे किस तरह से हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 5 अंडे, जिन्हें हमें डिवाइड करना है एक योक और एक वाइट को। तो मैंने 5 अंडे लिए और उन्हें डिवाइड कर लिया है। अब हमें चाहिए 75 ग्राम मैदा, जो कि आधा कप के बराबर है। इसे हम छान लेंगे। मैंने इसे पहले से 3 से 4 बार छान के रखा है, एक बार और छान रही हूँ। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक। अब मैंने लिया है एक पैन, जिसको मैंने स्लो फ्लेम पर रखा है, और उसमें डाला है 70 ग्राम बटर। इसको मेल्ट करना है और गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। और इसमें डालना है 30 ml दूध। अब इस बटर को हमें डालना है मैदे के अंदर और इसको अच्छी तरह से हमें विस्क कर लेना है। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे एग योक, जिन्हें हमने पहले से सेपरेट करके रखा था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, जब तक कि एग योक मैदे में मिक्स नहीं हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से इसे विस्क करेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसको अभी हम एक साइड में रख देंगे। अब एग वाइट को हम स्लो स्पीड के साथ 45 सेकंड के लिए बीट करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून लेमन जूस। इसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए फिर से बीट करेंगे। अभी हमें स्पीड को स्लो ही रखना है और इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। तो केक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं पाउडर शुगर। 1/2 कप लिया है मैंने यहाँ पर। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करके ही डालना है। यही केक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे आपका केक बहुत ज़्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी बनता है। 5 से 6 मिनट के लिए सॉफ्ट पीक आने तक इसको हम बीट करेंगे, इस तरह के जब तक आपके पीक नहीं बन जाते हैं। तो ये परफेक्ट है। अब इसका थोड़ा सा पार्ट हमें अपने एग योक में, जो पहले से हमने बना कर रखा था, उसके मिक्सचर में ऐड करना है। इसको हम हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो केक में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वह यही है, जिसे हम स्किप भी नहीं कर रहे हैं और हम इसे आपको पूरा दिखाएंगे। तो इसे इस तरह से आपको मिक्स करना है, इसमें फोल्ड कर देना है सारे बैटर को। बहुत अच्छी तरह से आपने फोल्ड करना है, लेकिन हल्के हाथों से फोल्ड करना है। तो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, आप इसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर देना है। मैंने ली है एक ट्रे और एक मोल्ड लिया है। आप कोई भी शेप का ले सकते हो, जिसे मैंने नीचे से फॉइल पेपर से कवर कर लिया और अंदर से मैंने उसके पार्शमेंट पेपर लगा दिया है। इस तरह से आप इसको रेडी कर लेना। तो केक टिन रेडी हो गया। अब इसके अंदर केक के बैटर को पोर कर देंगे। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे हमें टैप करना है अच्छी तरह से 2 से 3 बार, ताकि इसके जितने भी बबल्स हैं वो निकल जाएं। हमें इस केक को स्टीम करना है, इसलिए हम इसमें डालेंगे पानी। जो ट्रे हमने ली थी उसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको बेक करेंगे 170 डिग्री पर 55 से 60 मिनट के लिए। तो केक रेडी हो गया है 60 मिनट में। अब इसको चेक कर लेंगे। तो किसी भी नाइफ़ की हेल्प से या फिर आप इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपकी स्टिक क्लीन आती है तो समझ लीजिए आपका केक बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका पार्शमेंट पेपर हटा देंगे। तो जिगली केक बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। कट करने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके कट करने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केक कितना ज़्यादा जिगली और सॉफ्ट है। तो केक का जाल आप यहाँ पर देख सकते हो। केक इतना ज़्यादा स्पॉन्जी है कि मुझसे वेट भी नहीं हो रहा है और दिल कर रहा है कि जल्दी से इसको खा लिया जाए। आपके साथ मैं इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूँगी। जब हम केक को बनाते हैं तो उसके मेज़रमेंट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है हमें, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। और साथ ही जब हम
इस बटर को तैयार करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो, और एक ही डायरेक्शन में आपको इसको बीट करना है ताकि आपका केक फ्लफ़ी बने, स्पॉन्जी बने, वरना आपका केक ख़राब हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।